दोस्तों, पूरे देश में लॉकडाउन होने की वजह से सभी बिजनेसेस बुरी तरह इंपैक्ट हुए हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी बिजनेसेस पहले की तरह सेल्स जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है। और जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे परचेजिंग पावर और कम होती जाएगी। तो लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा, तब भी मार्केट में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज होंगे जिनकी डिमांड काफी कम रहेगी, और कुछ ही ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज होंगे जिनकी डिमांड मार्केट में ज्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको काफी एनालिसिस करने के बाद वो प्रोडक्ट और सर्विसेज बताने वाला हूं जिनकी डिमांड मार्केट में कम रहेगी और ज्यादा रहेगी। तो इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज जैसे कि फर्नीचर, ऑटोमोबाइल और ज्वेलरी, इन कैटेगरीज के प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर कम हो गई है। इसके अलावा लोग कपड़े, हाई एंड कॉस्मेटिक्स और फैशन एक्सेसरीज भी कम ही खरीदेंगे क्योंकि लोगों का बाहर जाना कम हो जाएगा, फंक्शंस और पार्टीज को अटेंड करना भी कम हो जाएगा। इसके अलावा वो सभी प्रोडक्ट्स जो ट्रेवल करने में यूज में आते हैं, जैसे कि ट्रेवल बैग, स्पोर्ट्स शूज, इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी क्योंकि जब लोग ट्रेवल ही नहीं करेंगे तो ट्रेवल में यूज में आने वाले सामान को खरीदने की तो सोचेंगे ही नहीं। नेक्स्ट है स्मार्टफोन्स और मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस। 3 मई तक लॉकडाउन को हुए लगभग 40 दिन कम्प्लीट हो जाएंगे और इस ड्यूरेशन में किसी ने भी नया मोबाइल नहीं खरीदा है, और जिनके मोबाइल इस ड्यूरेशन में खराब हो गए हैं वो भी अपने मोबाइल को सही नहीं करा पाए हैं क्योंकि फिलहाल सभी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप भी बंद हैं। स्मार्टफोन ऐसी जरूरी चीज बन चुकी है सभी लोगों के लिए कि लोग इसके बिना कुछ मिनट भी नहीं रह पाते। इसी वजह से जब बाजार खुलेगा तो मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस की और नए स्मार्टफोन्स की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। वो बात अलग है कि कॉस्टली स्मार्टफोन्स की डिमांड कम ही रहेगी, लो रेंज और मीडियम रेंज स्मार्टफोन्स की डिमांड ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट है समर बेस्ड होम अप्लायंसेस। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और जो लोग लॉकडाउन होने की वजह से एसी, फ्रिज, पंखा और वाटर कूलर लेने की सोच रहे थे वो अभी नहीं परचेज कर पाए हैं। इसलिए जब लॉकडाउन खत्म होगा और बाजार खुलेगा तो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है मेडिकल इक्विपमेंट्स, मास्क, सैनिटाइजर, थर्मोमीटर, इन प्रोडक्ट्स की डिमांड तो अभी भी काफी ज्यादा है और जब लॉकडाउन खत्म होगा और बाजार खुलेगा तब भी इनकी डिमांड बनी रहेगी क्योंकि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में काम आने वाले रॉ मटेरियल की डिमांड भी काफी कम हो जाएगी क्योंकि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो लोग कुछ महीनों तक अपने घर में कंस्ट्रक्शन नहीं कराएंगे। इसके अलावा ग्रोसरी, फूड प्रोडक्ट्स, बुक्स, कॉपीज, किचन अप्लायंसेस, ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनकी डिमांड जैसी पहले हुआ करती थी वैसी ही लॉकडाउन के बाद भी मेंटेन रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये जस्ट मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज के बारे में आइडिया दिया है जिससे आप बाजार खोलने से पहले ही अपने माइंड को प्रिपेयर कर लें, और अगर आप ऐसे प्रोडक्ट को सेल करते हैं जिनकी डिमांड ज्यादा होने वाली है तो आप प्रोडक्ट की स्टॉकिंग कर लें ताकि जब डिमांड आए तो आपका प्रोडक्ट जल्दी से स्टॉक आउट ना हो जाए। और अगर आप ऐसे प्रोडक्ट को सेल करते हैं जिनकी डिमांड कम होने वाली है तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, डिमांड तो कम ही रहेगी लेकिन फिर भी आप अलग अलग तरीके से अपने बिजनेस को इनोवेट करके सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी तो नहीं लेकिन ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ, थैंक यू।